क्या फ्रेंड्स आपने सुना है कि हम 1 रुपए की ब्लेड से हम एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं सुना है और नहीं देखा है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, जिससे आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही काम आने वाली टिप्स भी मिलने वाली है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में, स्किप ना करते हुए पूरा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके इस वीडियो के जरिए। तो हम बहुत ही आसानी के साथ आपको बल्ब को रिपेयर करना बताएंगे, वो भी एलईडी बल्ब जो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं और यूं ही हम इसे फेंक देते हैं और बिना एक पैसा लगे आपका, और ये रिपेयर भी कर लेंगे। तो मैं ये मैकेनिक के लिए नहीं बता रही हूँ, जो घर की हाउसवाइफ होती हैं वो ही सब कर लेंगे। यकीन मानिएगा इतनी आसानी के साथ ये वीडियो में मैं रिपेयर करना बताऊँगी। तो मैं कोई मैकेनिक तो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ जो आपको घर के खर्चों को कम करने की टिप्स देने वाली हूँ इस बल्ब को रिपेयर करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 3 बल्ब लिए हैं और एक होल्डर लिया है और एक मैंने ली है रिपेयर करने के लिए ब्लेड, और साथ ही साथ एक इसमें सही बल्ब है और 2 बल्ब खराब हैं। आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला है वो एकदम सही है और ये दोनों को ही हम रिपेयर करेंगे। तो जलता हुआ बल्ब मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये होल्डर हमारा चालू है, और जो ख़राब वाला है उसको पहले तो खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ खुल जाता है। आप उसको खींचेंगे ना वैसे ही ये खुल जाएगा, थोड़ा चिपका हुआ होता है। और अंदर आप इसकी प्लेट्स देख सकते हैं, बिल्कुल सही लग रही है, कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें एक एलईडी हमारी शॉर्ट होगी, जिससे हमारे ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए फ्रेंड्स होल्डर में लगा देंगे, और ये काम आप चप्पल पहनकर या फिर किसी लकड़ी की वस्तु पर बैठकर ही करिएगा इस काम को। तो चेक करने के लिए देख सकते हैं एक तार का टुकड़ा लिया है और उसको हम चिमटी नुमा आकार देकर चेक करेंगे सभी एलईडी पर लगाकर, जिस पर लगाने से ही बल्ब हमारा जलने लगता है। तो समझ लीजिए वही एलईडी हमारी शॉर्ट हो चुकी है, उसी को हमें हटाना है, उसके बाद ही जो बल्ब है हमारा रिपेयर हो पाएगा। तो पहले ही नंबर पर देखिए हमें वो एलईडी मिल चुकी है जो शॉर्ट हो चुकी है, और सभी को हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में मैं बता रही हूँ, इस तरीके से चेक कर लेंगे, और जो सबसे लास्ट वाली है उसको एक बार और चेक करते हैं। उस पर लगाने से ही ये बल्ब हमारा जलने लगता है। तो ख़राब एलईडी का हमें पता चल चुका है कौन सी इसमें शॉर्ट है, कौन सी ख़राब हो चुकी है, उसी को इस प्लेट से अलग करना है। तो लास्ट वाली जो आप देख रहे हैं तो उसको हटाने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको इसे हटा देना है। तो देखिए मैंने इसको हटा दिया है, कुछ इस तरीके से साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद हम लेंगे ब्लेड, तो ब्लेड काफ़ी शार्प होती है तो इसको भी ध्यान से आप करिएगा। तो इसे काटने के लिए हम कैंची का यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पतली रहती है तो कैंची से आसानी से कट जाएगी, और किसी और से करेंगे ना तो शायद हाथ वगैरह में लग जाए। तो कैंची से बहुत ही छोटा सा हमें इसका टुकड़ा काट लेना है। तो जितना हमने उस जगह को खाली किया है ना उतना ही बड़ा टुकड़ा हमें चाहिए। तो देखिए कुछ इतना बड़ा टुकड़े को हम काट लेंगे, और इसी टुकड़े को उसी जगह पे हम लगा देंगे जिस एलईडी को हमने इसमें से हटाया है, उसी जगह पर लगा देना है। और अच्छे से रख कर हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सा टैप काट लेंगे, पतला सा, मतलब पूरे पर नहीं लगा कर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने ब्लेड काटी है ना बस उसी टुकड़े को हमें चिपकाना है उसी शॉर्ट किए हुए स्थान पर। तो बहुत ही बारीक सा मैं इसमें से टैप काट लेती हूँ। तो देखिए कितना बारीक सा मैंने टैप काटा है, और अब अच्छे से इसके ऊपर हम इससे सेट कर देंगे ताकि ये ब्लेड अच्छे से चिपकी रहे।
और इसकी जगह जो रांगा करके इसमें इलेक्ट्रिक सामान आता है इस बल्ब को रिपेयर करने का, उससे भी हो जाता है, उस चीज़ से भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रही हूँ किस तरीके से आप बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए, तो इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना करके दिखा रही हूँ। और इलेक्ट्रिक सामान से तो ये चीज़ें रिपेयर हो ही जाती हैं, तो देखेंगे एक बार होल्डर में लगा कर। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसको ड्राइवर से थोड़ा सा मैंने दबा दिया है तो अच्छे से वो उस जगह पर लगा नहीं था, तो दबाने से ही देखिए बल्ब जलने लगता है। और बिल्कुल आपके सामने ही मैंने रिपेयर किया है। और इस तरीके से आप घर में ख़राब बल्बों को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ ये रिपेयर किया है मैंने, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। और देखिए एक बार और लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बल्ब हमारा एकदम सही हो चुका है। तो ये ज़्यादा टाइम के तो लिए नहीं है फ्रेंड्स, थोड़े बहुत टाइम के लिए आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब ये बल्ब गर्म होगा ना तो टैप अपनी जगह छोड़ देगा, ये मैं और बता दूँ आपको। तो आप थोड़े बहुत टाइम के लिए इस तरीके से अपना काम चला सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके। और दूसरा वाला भी अब हम रिपेयर करेंगे, तो इस बल्ब में भी यही कंडीशन होगी, यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। इसको भी खोल लेते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ अलग तरीके से प्लेट्स लगी हुई है, और सेम वही तरीका हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से हम चेक करेंगे इसमें कौन सी एलईडी ख़राब है और कौन सी सही है, तो सभी पर बारी बारी से हम इस तार की सहायता से चेक करते जाएंगे। तो देखिए अभी हमें ख़राब एलईडी अभी तक नहीं मिली है। और आपने देखा होगा बल्ब में कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं दी रहती कि हमें इसमें समझ में ना आए इसमें कौन सी एलईडी ख़राब है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका पता कर लीजिए, उसके बाद उस जगह उस एलईडी को अलग करके उसको शॉर्ट करना है, खाली इतना ही करना होता है बल्ब में। और अगर आपको लंबे समय के लिए बल्ब को रिपेयर करना है तो राका इलेक्ट्रिक सामान को लेकर आइएगा, उससे अच्छे से जो एलईडी ख़राब है उसको हटा करके उसे शॉर्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये बल्ब चल जाता है। और इसको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हाउसवाइफ भी कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। तो बहुत ही आसानी के साथ फ्रेंड्स मैंने आपको ये रिपेयर करना बताया। और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और दुनिया के किस कोने से मेरा ये आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स बोल सकूं। और अगर आपको इस तरीके से जुगाड़ पसंद नहीं है तो फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक दुकान से इसके रिपेयरिंग का सामान लेकर आइएगा, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। तो उस चीज़ का मैं आपको नाम बता देती हूँ, राका करके एक स्क्रू ड्राइवर जैसा रिपेयरिंग के लिए आता है, जिसके ज़रिए इस एलईडी की जगह को आप शॉर्ट करके इस बल्ब को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।